हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिंग इफेक्ट्स को। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई के मेंस में कई बार रिपीट हो चुका है। ये बार बार क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा जाता है मेंस में। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ ये एसएससी 2019 के मेंस के दिसंबर में पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले भी ये 2017 में, 2015 के मेंस में ही पूछा जा चुका है। तो एसएससी जेई के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी ये बार बार जो है रिपीट होता है, दोबारा दोबारा यही पूछा जाता है। कभी वो पूछते हैं कि कास्टिंग इफेक्ट्स बताइए, उसके रेमेडीज़ बताइए, उसके साथ में करेक्शन बताइए, ठीक है, कौन सी कास्टिंग डिफेक्ट किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्टिंग इफेक्ट्स दैट वी कैन हैव, ठीक है। यहां पे मैंने जो है सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स को लिखे हैं, कुछ 12-13 मैंने कास्टिंग डिफेक्ट्स को लिखे हैं। एक एक करके हम लोग 12 के 12 कास्टिंग डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होता है, उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर वन, यहां पे जो मैंने कास्टिंग डिफेक्ट लिखा है ये है आपका हॉट एयर। उसके बाद लिखा है मैंने कोल्ड शर्ट्स, मिश्रण, पिन होल पोरोसिटी, सैंड इंक्लूजन, श्रिंकेज कैविटी, ऑक्साइड एंड ड्रॉस इंक्लूजन्स, मोल्ड शिफ्ट, ड्रॉप, बकल, देन वी हैव स्वेल, पेनिट्रेशन एंड ब्लो होल्स। सो दीज आर द 13 कास्टिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा है हॉट टेयर। ये हॉट टेयर होता क्यों है, इसका क्या रीज़न है? तो हॉट टेयर जो है हमारे पास, इसका मेन रीज़न होता है नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मेटल। तो इसका रीज़न होता है नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल की वजह से क्या होता है कि आपका हॉट एयर क्रैक्स होने लगता है, इंटरनल आपको क्रैक्स मिलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आपका सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है तो जो आपका मोल्टन मेटल जहाँ पे होता है तो उसके अंदर इंटरनली कहीं पे सेकेंडरी डेंड्राइट्स फॉर्म हो जाते हैं, कहीं पे जो है सॉलिड न्यूक्लिएट फॉर्म हो जाता है, फिर वहाँ से भी सॉलिडिफिकेशन होने लगता है। तो जब प्राइमरी डेंड्राइट और सेकेंडरी डेंड्राइट आपस में मिलते हैं तो वो एक क्रैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्रैक्स को जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग, ये होता किसकी वजह से, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं हॉट टियर। अब इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग चिल्स एंड पैडिंग्स। चिल्स एंड पैडिंग की मदद से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चिल्स भी हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हमारे पास इंटरनल चिल्स, दूसरा हो सकता है हमारे पास एक्सटर्नल चिल्स। अब चिल्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है कैविटी है, इसके अंदर आपको फिल करना था मोल्टन मेटल, तो इसके अंदर हम लोग मोल्टन मेटल फिल कर देंगे, इस तरीके का आपको जो है ऑब्जेक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल चिल्स में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे साइड से जो है यहाँ पे एक मेटल यूज़ करेंगे जिसको हम लोग चिल्स कहते हैं। ये सेम मटेरियल का होता है, सेम मटेरियल होता है, यहाँ पे इस तरीके से हमने ये एक्सटर्नल चिल्स को यूज़ कर दिया है जो कि आपको हीट ट्रांसफ़र, रैपिड हीट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका बड़े बड़े होती है तो वहां पे हम लोगों को इंटरनल चिल्स भी यूज करना पड़ता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल चिल्स भी यूज करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर। जैसे ये आपकी कैविटी है तो कैविटी के अंदर हम लोग इंटरनल चिल्स भी यूज करते हैं। चिल्स क्या होते हैं, चिल्स जो होते हैं सेम मटेरियल का आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग इंटरनली या एक्सटर्नली रखते हैं, किसके अराउंड, कैविटी के अराउंड, ठीक है। मोल्ड, ये अगर आपका मान लीजिए चारों तरफ सैंड है तो यहां पे सैंड है और ये बीच में कैविटी थी जिसमें आपको मोल्टन मेटल को फिल करना था, तो यहां पे आपने चिल्स लगा दिया। और अगर बड़ा कास्टिंग है जिसमें जो है सॉलिडिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, उस केस में हम लोग इंटरनल चिल्स भी यूज करते हैं। तो हम लोग इंटरनल चिल्स ये हो गया, एक्सटर्नल चिल्स ये हो गया। तो इंटरनल चिल्स एंड एक्सटर्नल चिल्स वी यूज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो हॉट टियर किसकी वजह से होता है, हॉट टियर होता है नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल जो है आपका प्रॉपरली सॉलिडिफाई नहीं होता है, कूलिंग उसकी जो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो इंटरनल हमको क्रैक्स मिल जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम लोग हॉट एयर कहते हैं। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी कूलिंग जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। उसके बाद जो है हम कोल्ड शर्ट्स, अब कोल्ड शर्ट्स क्या होता है, कोल्ड शर्ट्स जो है ये किसकी वजह से होता है, तो कोल्ड शर्ट जो होता है आपका प्रॉपर पोरिंग टेम्परेचर नहीं है, आपका पोरिंग टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर नहीं है, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। आप जो मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हो उसका अगर टेम्परेचर सफिशियंटली हाई नहीं है तो क्या होता है कि दो मोल्टन मेटल्स जो है वो आपस में फ्यूज़ करने से पहले ही सॉलिडिफाई कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, देखिए आपका जो है आपका मोल्टन मेटल यहाँ से आ रहा था और यहाँ से आ रहा था, ये दोनों जो है आप फ्यूज़ करने से पहले ही सॉलिडिफाई कर जाएंगे। ये जो है यहाँ तक जो है सॉलिडिफिकेशन हो गया, पहले ही सॉलिडिफाई कर जाएंगे आपस में फ्यूज़ करने से पहले, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोल्ड शर्ट।
कोल्ड शीट्स में क्या होता है कि मोल्टन मेटल जब आ रहे थे उसका प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, हाई प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपस में फ्यूज़ करने से पहले ही सॉलिडिफाई कर जाएंगे, जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोल्ड शीट्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है प्रॉपर जो है सफिशियंटली हाई पोरिंग टेम्परेचर पर जो है मोल्टन मेटल को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है आपका मिश्रण। मिश्रण इस वजह से होता है इनसफिशियंट फ्लूडिटी की वजह से। अगर आपका मोल्टन मेटल की फ्लूडिटी प्रॉपर नहीं है, सफिशियंटली वो फ्लो नहीं कर रहा है कि सारी कैविटीज़ को वो प्रॉपरली फिल करें, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको मिश्रण कहते हैं उस चीज़ को हम लोग। और ये होता क्यों है, जब आपकी कैविटीज़ जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं होती है, कैविटी जो है आपकी नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। और ये होता क्यों है, ये होता इस वजह से है आपका इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। जब आपके जो हैं कैविटीज़ जो होती हैं, डिफरेंट कैविटीज़ जो हैं आपकी, वो प्रॉपरली सारी की सारी फिल्ड अगर नहीं होती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये होता है इनसफिशियंट फ्लूडिटी की वजह से, इनसफिशियंट फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। ठीक है, ये तीसरा डिफेक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास आता है तीसरा, थर्ड आता है हमारे पास पिन होल पोरेसिटी। पिन होल पोरेसिटी क्यों होता है, जब आपका मोल्टन मेटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर जो है पोरिंग टेम्परेचर मोल्टन मेटल का वो बहुत ज़्यादा हाई है। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब क्या होता है, आपका वाटर डिसइंटीग्रेट कर जाता है H2+O2 में डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और उसके बाद कैविटी से जो है आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो एस्केप करने लगता है। जब वो एस्केप करता है तो वो होल्स को क्रिएट करता है प्रोडक्ट के अंदर। आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट है, ये है या फिर ये है, तो इसमें से जब डिसइंटीग्रेट कर जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जब वाटर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा H2 और O2 में, तो फिर वो इससे रिलीज़ होगा। जब वो रिलीज़ होगा तो क्या करेगा, वो होल्स क्रिएट करेगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये क्यों होता है, जब आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि पोरिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कास्टिंग के डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो पिनहोल पोरोसिटी प्रोड्यूस करेगा, एक डिफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत कम है, अगर पोरिंग टेम्परेचर कम है तो ये दोनों डिफेक्ट्स हो सकते हैं आपके, कोल्ड शर्ट्स एंड मिश्रण। अगर पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पिन होल पोरोसिटी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जो है ऑप्टिमम चाहिए होता है पिन, ये जो पोरिंग टेम्परेचर है इट मस्ट बी ऑप्टिमम, ना ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ये बहुत कम होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपको ये वाला डिफेक्ट मिलेगा, पिन होल पोरोसिटी। अगर आपका पोरिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है तो कोल्ड शर्ट्स एंड मिश्रण डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हमको जो है पोरिंग टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना पड़ता है ताकि हम जो है ये तीनों डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ डिफेक्ट, जिसको हम लोग सैंड इंक्लूजन कहते हैं। सैंड इंक्लूजन में क्या होता है कि आपका जो मोल्ड होता है, मोल्डिंग जो सैंड होता है आपका, वो प्रॉपर रैमिंग होने की वजह से वो गिरने लगता है। सैंड जो है आपका गिर जाता है और वो मोल्टन मेटल के साथ में जाके मिक्स कर जाता है और सॉलिडिफाई कर जाता है। तो ये क्यों होता है, जब आपका रैमिंग जो है प्रॉपर नहीं है, इम प्रॉपर रैमिंग ऑफ द सैंड, मोल्डिंग सैंड जो है उसकी आपने रैमिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं की हुई है। तो क्या होता है कि जब आप पैटर्न को हटा देते हो तो फिर क्या होता है कि आपका जो सैंड है वो ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है और वो मोल्टन मेटल के साथ में इंक्लूड हो जाता है, मोल्टन मेटल के साथ में मिल जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सैंड इंक्लूजन इन द मोल्टन मेटल। ठीक, ये होता है इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से। तो आप प्रॉपर रैमिंग करोगे तो इस डिफेक्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है श्रिंकेज कैविटी, जिसको हम लोग वॉइड भी कहते हैं। श्रिंकेज कैविटी में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट के अंदर आपको कहीं कहीं पे वॉइड्स मिलते हैं, अंदर जो है प्रोडक्ट के अंदर आपको वॉइड्स मिलेंगे, डिप्रेशंस मिलेगा। वो होता है रॉन्ग लोकेशन ऑफ राइजर, आपने जो है राइजर को प्रॉपरली लोकेट नहीं किया है, पुअर डिज़ाइन ऑफ आपका गेटिंग सिस्टम है, पुअर डिज़ाइन ऑफ कास्टिंग है, या फिर आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी वॉइड आपको मिलते हैं। पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, वाटर आपका डिसइंटीग्रेट करेगा H2 में और O2 में, और फिर वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। रिलीज़ नहीं होगा तो अंदर जो है वॉइड्स को क्रिएट करेगा, अंदर जो है वो आपके वॉइड्स को क्रिएट करेगा, डिप्रेशंस को क्रिएट करेगा। तो ये क्यों होता है श्रिंकेज कैविटी, इसके दो तीन रीजन से, अगर आपका राइजर प्रॉपरली प्लेस नहीं है, पुअर आपका डिज़ाइन है, गेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, और या फिर
आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी वजह से भी आपका श्रिंकेज कैविटी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिफेक्ट, वो होता है हमारा ऑक्साइड एंड ड्रॉस इंक्लूजन। ऑक्साइड एंड ड्रॉस इंक्लूजन क्या होता है, ड्रॉसिंग किस चीज़ को कहते हैं, ड्रॉसिंग होती है आपकी जो मोल्टन मेटल होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर्स प्रोड्यूस हो जाती है, और जब वो मोल्टन मेटल जाके कैविटी में सॉलिडिफाई करता है तो ऑक्साइड्स भी जो है वो मोल्टन मेटल के साथ में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड इंक्लूजन या ड्रॉस इंक्लूजन। ये होता क्या है, जब मोल्टन मेटल के सरफेस के ऊपर आपके ऑक्साइड्स की लेयर प्रोड्यूस हो जाती है और वो जाके सॉलिडिफाई कर जाती है कैविटी के अंदर, तो इस चीज़ को हम लोग ड्रॉसिंग कहते हैं, ड्रॉस इंक्लूजन एंड ऑक्साइड इंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट जो है वो है हमारा मोल्ड शिफ्ट। ये देखिए आपका अपर हाफ है, लोअर हाफ है, अपर हाफ और लोअर हाफ है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो जो ये कैविटी थी, इस कैविटी में जो है अपर हाफ और लोअर हाफ जब मिसअलाइन हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी कुछ इस तरीके का बनेगा। आपको ये देख रहे हो कुछ शिफ्ट आ गया है यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अपर एंड लोअर हाफ। जो आपका दो हाफ्स है मोल्ड के, दोनों के अंदर सैंड भरा हुआ है तो मूव कर जाता है दो हाफ, जब क्योंकि बड़े बड़ी जो कास्टिंग होती है उसमें हम दो पार्ट्स में जो है बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या होता है कि अपर जो कोप होता है आपका वो अगर मूव कर जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके का आपको डिफेक्ट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं मोल्ड शिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टू हाफ्स, जो आपका कोप एंड ड्रैग होता है, कोप एंड ड्रैग पार्ट जो होता है आपका, इसका आपस में मूवमेंट, रिलेटिव मोशन होने लगता है। मोशन होने की वजह से जो है आपका जो है ये जो आपका ये गैप है, जो कैविटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मोल्ड शिफ्ट। उसके बाद आपका ड्रॉप आता है। ड्रॉप डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो पैटर्न, जैसे आपका जो कैविटी है, जो मान लीजिए आपकी इसके अंदर जो कैविटी थी कुछ इस तरीके की कैविटी है मान लीजिए, ठीक है, ये कैविटी है और ये आपका ये सैंड है, चारों तरफ ये सैंड है। ठीक है, तो इस कैविटी में से जो यहाँ का सैंड है ये ड्रॉप कर जाता है। सैंड जब यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, तो ड्रॉप जब कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सैंड ड्रॉप हो गया और इस तरीके का गैप हो गया, इस तरीके की कैविटी बन गई। ये ऑलरेडी कैविटी थी और यहाँ से सैंड गिर गया ड्रॉप कर गया और यहाँ पे भी इस तरीके की कैविटी बन गई। अब क्या होगा, मोल्टन मेटल यहाँ पे भी जाके सॉलिडिफाई कर जाएगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे कुछ डिप्रेशन टाइप का मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपिंग। ये होता क्यों है, ये होता है इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से। ये भी क्यों होता है, इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे इम्प्रॉपर रैमिंग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बकल। बकल में क्या होता है कि आपका जो सैंड होता है, अब इस केस में क्या होता है, आपका जो सैंड होता है यहाँ पे, जो आपके सैंड है ये सब, ये एक्सपेंड कर जाता है। जब आपका सैंड एक्सपेंड कर जाएगा, जब इस तरीके से आके सैंड एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, तो सैंड के एक्सपेंशन की वजह से जो है क्या होता है, इस तरीके का आपको बकल दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ, सैंड जो था यहाँ पे और यहाँ का सैंड जो था वो एक्सपेंड कर गया। कब कर गया एक्सपेंड, बिफोर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल के सॉलिडिफाई होने से पहले ही वो एक्सपेंड जब कर जाएगा तो इस तरीके का आपको डिप्रेशन दिखेगा जिसको हम लोग बकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वेल। स्वेल में क्या होता है कि जैसे आपका कैविटी थी, कैविटी के अंदर जब मोल्टन मेटल को आपने डाला तो क्या हुआ, मोल्टन मेटल के हाई प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सैंड जो था, इसके चारों तरफ जो सैंड था यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो सैंड था, इस पे प्रेशर लगाया मोल्टन मेटल ने और उसने क्या किया, यहाँ पे एक स्वेलिंग कर दी, एक जो है आपको स्वेलिंग टाइप की मिलेगी, फूल जाएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सैंड का जो है मूवमेंट हो जाएगा, सैंड पे हाई प्रेशर की वजह से सैंड जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये भी क्यों होगा, ये भी होगा ड्यू टू द इम्प्रॉपर रैमिंग, सफिशेंटली हाई प्रेशराइज रैमिंग नहीं किया आपने, तो क्या हो जाएगा, सैंड का मोशन हो जाएगा, सैंड जो है मूव कर जाएगा और आपको प्रोडक्ट में फिर इस तरह की स्वेलिंग मिलेगी। और उसके बाद आते हैं पेनिट्रेशन में। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि ये भी जो है आपका इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होता है। आपका मोल्टन मेटल जो है यहां पे क्या होता है, मोल्टन मेटल जो है आपका पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट्स इनटू द सैंड। सैंड के अंदर जो है आपका मोल्डिंग सैंड जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जब पेनिट्रेट कर जाएगा तो आपको इस तरह के जो है प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशंस। उसके बाद लास्ट डिफेक्ट जो है आपका ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्यों होता है, ये होता है, ब्लो होल्स आर व्हाट, दीज आर द इंटरनल वॉइड्स और सरफेस डिप्रेशंस ड्यू टू एक्सेसिव गैसेस मटेरियल अनेबल टू एस्केप। जब आपके जो है प्रोडक्ट में से गैसेस रिलीज नहीं हो पाती हैं, जब गैसेस जो हैं आपकी एस्केप नहीं कर पाएंगी, तो अंदर जो है आपको इस तरीके के जो है राउंड जो है होल्स मिलेंगे, अंदर जो है आपको वॉइड्स मिलेंगे, अंदर गैप्स मिलेंगे। ये भी इसका भी रीज़न भी यही होता है कि अगर आपने प्रॉपर वेंटिंग नहीं की हुई है, प्रॉपर जो है गैसेस को एस्केप करने का आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, आपका अंदर जो है वो गैसेस एस्केप नहीं कर पाएंगे और वो प्रोडक्ट के अंदर रह जाए
जाएंगी, फिर सरफेस पे आपको जो है बहुत सारे होल्स दिखेंगे। इसका भी रीज़न यही है कि प्रॉपर वेंटिंग अगर आपने नहीं की हुई है तो आपको सरफेस पे होल्स मिलेंगे, जिसको हम लोग ब्लो होल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 12-13 जो है कास्टिंग डिफेक्ट्स को डिस्कस किया, वो होते क्यों हैं, उसका रीजन्स क्या है, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबका आपको करेक्शन बताया कि कैसे करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हॉट टेयर को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग चिल्स एंड पैडिंग्स को प्रोवाइड करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये होता क्यों है, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन की वजह से होता है। कोल्ड शर्ट्स एंड मिश्रण जो होता है, ये होता है आपका अगर पोरिंग टेम्परेचर आपका कम है, पोरिंग टेम्परेचर आपका प्रॉपर नहीं है और फ्लूडिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये दोनों इश्यूज हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंटली हाई पोरिंग टेम्परेचर। पिन होल पोरोसिटी क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका हाई पोरिंग टेम्परेचर है, तो इसलिए हमको पोरिंग टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, बहुत मिनिमम भी नहीं रखना है, इसमें आपको ऑप्टिमम रखना है पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद सैंड इंक्लूजन में क्या होता है, जब आपकी रैमिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर रैमिंग की वजह से क्या नहीं होगा, सैंड जो है वो मोल्टन मेटल में इंक्लूड हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सैंड इंक्लूजन। श्रिंकेज कैविटी भी बताया मैंने आपको, राइजर की लोकेशन प्रॉपर नहीं है, गेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, या फिर पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में भी श्रिंकेज कैविटी आपको मिलती है, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं। ड्रॉस इंक्लूजन क्या होता है, ड्रॉस इंक्लूजन ये होता है कि मोल्टन मेटल के ऊपर जो आपके ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, वो जो है आपकी जाके इंक्लूड हो जाती है कैविटी में जाके, और वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ड्रॉस इंक्लूजन कहते हैं, ड्रॉसिंग कहते हैं। मोल्ड शिफ्ट क्या होता है कि अगर आपने अपने डिस्टर्ब कर दिया, मोल्डिंग जो कैविटीज़ हैं, जो आपका मोल्ड पैटर्न है, आपका कोप एंड ड्रैग है, उसको अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो इस तरीके के अपर एंड लोअर हाउस में आपको मिसअलाइनमेंट मिलेगा, इस तरीके का मोशन हो जाता है, ठीक है, और फिर ऐसा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। ड्रॉप में क्या होता है कि आपका प्रॉपर रैमिंग नहीं है, तो सैंड ड्रॉप कर जाता है, फिर सॉलिडिफाई कर जाता है वहां पे जाके कास्ट प्रोडक्ट आपका मोल्टन मेटल जो है, तो आपको इस तरीके का प्रोजेक्शन मिलता है प्रोडक्ट में, यह भी इंप्रॉपर रैमिंग की वजह से होता है। बकल में क्या होता है, बकल में यह होता है कि आपका जो है सैंड जो है आपका एक्सपेंड कर जाता है बिफोर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल, तो ये बकल में हो गया। उसके बाद स्वेल में क्या होता है, ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द मोल्टन मेटल, वो सैंड पे जो है प्रेशराइज करता है, प्रेशर लगाता है और स्वेलिंग हो जाती है, ये भी होता है ड्यू टू द इम्प्रॉपर रैमिंग, रैमिंग आपकी प्रॉपर नहीं है। पेनिट्रेशन भी क्यों होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है कि मोल्टन मेटल जो है वो सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, इसके चारों तरफ सैंड होगा, यहाँ पे इसके चारों तरफ यहाँ पे सैंड होगा, अब क्या करेगा मोल्टन मेटल हाईली जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ जो मोल्टन मेटल आता है वो पेनिट्रेट कर जाता है सैंड के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पेनिट्रेशन कहते हैं। ब्लो होल्स मैंने बता दिया आपको, ये वॉइड्स होते हैं, इंटरनल वॉइड्स होते हैं, ड्यू टू द जब आपकी गैसेस जो है एस्केप नहीं कर पाती हैं तो इंटरनल वॉइड्स मिलते हैं आपको। इसके लिए हम लोग इसको रिमूव करने के लिए प्रॉपर वेंटिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि गैसेस जो है वो एस्केप कर सके, ठीक है। गैसेस जो है आपके जैसे ये इसके चारों तरफ सैंड होगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर वेंटिंग प्रोवाइड कर दिए तो गैसेस क्या कर जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी, सैंड से बाहर गैसेस निकल जाएंगी और आपको इस तरह के वॉइड्स नहीं मिलेंगे फिर। सो आई होप दीज डिफेक्ट्स आर क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने 12-13 डिफेक्ट्स को डिस्कस किया, इन डिफेक्ट्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे डिफेक्ट जो हैं कभी ना कभी आपको अगर आप मेंस दे रहे हैं या प्री भी दे रहे हैं एसएससी जेई का, तो उसमें ये पूछा जाता है। मेंस में आपको आएगा, तो जैसे ही 15 नंबर का आया था, 15 नंबर का मेंस में पूछा गया था कि आपको डिफेक्ट्स बताने हैं और उसका करेक्शन बताना है। और अगर आप प्री दे रहे हैं एसएससी जेई का पेपर 1 दे रहे हैं, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि पेनिट्रेशन क्यों होता है, ब्लो होल्स क्यों होता है, हॉट टेयर क्यों होता है, या फिर हॉट टेयर कौन सा डिफेक्ट है। तो ये 12-13 डिफेक्ट जो है कास्टिंग के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री आप दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, दोनों में पूछा जाता है। मेंस में अगर आप दे रहे हैं, तो इसमें मैंने पूरा आपको 12-13 डिफेक्ट जो है एक ही साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ताकि आपको इसको याद करने में भी आसानी होगी, आप इसको याद कर सकते हैं प्रॉपरली। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।